ये देखिए आप किस तरीके से सामान को एडजस्ट किया जा रहा है। तो बस अब दिल्ली से ठीक है बीसी निकलने के लिए पहुंच चुके हैं काशीपुर। ये देखो हमारी छोटी बहन ये है भाई। हेलो कर हेलो कर हेलो करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों एक दिन के उपरांत व्लॉग आ रहा है। कल के पूरे दिन हम पैकिंग करते रहे और साथ में चावड़ी बाजार गए हुए थे। वहां से शादी का कार्ड लेके आए हैं, बन गए हैं, छप गए हैं, मतलब शादी का कार्ड, तो उसको लेके आए। उसके बाद पूरे दिन हमने जो है पैकिंग की है। ये देखिए पूरा अभी पीछे पैक पड़ा हुआ है सामान, पीछे पैक है, यहाँ नीचे काफ़ी सामान पैक है। और अभी गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी जो है फादर साहब के ऑफिस के वहाँ खड़ी हो रखी है, तो गाड़ी को लेके आते हैं यहाँ, फिर सामान लोड करते हैं और फिर आज यहाँ से काशीपुर तक का सफर तय करना है। और काशीपुर में हमारे चाचा श्री हैं, उनके उनके घर में आज जो है आज का विश्राम है। उसके बाद कल सुबह सुबह वहाँ से अपने गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए इसी के साथ जो है ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का जो दिन है किस तरीके से व्यतीत होता है। तो दोस्तों ये है अपनी गाड़ी और गाड़ी हो गई है पूरी चकाचक, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है गाड़ी की। देखो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच पड़े हुए थे गाड़ी के। तो दोस्तों पूरे कितने दिन हो गए, आज 18 तारीख आज है और साथ में 28 तारीख को हम आए थे। करीबन 20 दिन के उपरांत जो है गाड़ी में बैठा हूँ अपनी गाड़ी की। जो है पापा फादर साहब ने पूरी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, काफ़ी पीछे स्क्रैच पड़े हुए थे, काफ़ी कई जगहों पर ठोकी हुई थी, नीचे बम्पर का इशू था, तो वो सारा जो है समस्या दूर की गई है। और अभी यहाँ पे FM चल गया है, तो बस अभी जो है गाड़ी में सामान सामून लोड करना है। तो चलो मिलते हैं सीधा घर पे, सामान सामून लोड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाड़ी रूम के बाहर खड़ी हो चुकी है और अब दिखाता हूँ मैं आपको सामान जो गाड़ी में लोड होके जाना है। एक बैग, दो बैग, तीन बैग, ये तीन बैग तो मेरे हैं, बाकी ये कंबल है, ये माता का बैग है, ये एक बैग ये है, एक ये है, दो तीन बैग वो है, बहुत ज़्यादा है बैग। चलो इनको लेके चलते हैं बाहर। ये देखिए आप किस तरीके से सामान को एडजस्ट किया जा रहा है। अंदर ही पूरा सामान भरा पड़ा है। चल बैठ आराम से। अरे लटो बैग तुम्हारा खुटा आ गया मेरे रोल पीछे धर देने। इधर तो पर्ची दे, तो पर्ची अधूरी में खुटा गया। अरे ये बैग कितने पंद्रह बैग आ गया मुझे, बैग तो नहीं आ रहा। बस अब दिल्ली से ठीक है बीसी निकलने के लिए उसका ठीक है। ओके बैठ आराम से बैठ। हैप्पी जर्नी। धन्यवाद। लो तो अब पहुंचे हैं हम कहीं मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। बस मतलब यहाँ से काशीपुर करीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी भरवा रहे हैं हम पेट्रोल। बाकी गाड़ी के ऊपर जो सामान रखा है उसकी स्थिति देख लेते हैं कैसी है। अच्छा यही कर रहा आवाज़। सामान ठीक है ना, इतना सामान भरा हुआ, फुल कर दो। पेट्रोल है 97, पेट्रोल 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 97 ठीक है जी। तो पेट्रोल भराने के उपरांत अब सीधा काशीपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं काशीपुर और ये है काशीपुर का रेलवे स्टेशन। तो करीबन 3:30 बज चुके हैं और सुबह 11:30 के चले हुए हैं हम दिल्ली से। तो बस अब यहाँ से कुंडेश्वरी जाते हैं और फिर वहाँ पे आज का विश्राम होगा चाचा के घर में। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अभी कुंडेश्वरी में और ये है हमारे चाचू का घर। हाँ हाँ ये देखो उतरो। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं कुंडेश्वरी, ये भगवान देखो मैडम। तो ये पहुँच गए हैं हम, इधर आओ। ये देखो हमारी छोटी बहन है, ये है भाई। हेलो कर हेलो कर हेलो करो। चाबी दे, चाचा कहाँ है, आए नहीं, चाबी कहाँ है गाड़ी कपड़े में, ये लो। तो चलो कपड़े कपड़े चेंज करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बोल भाई इतने पापा फोन आ जा, पापा फोन फोन आने में बोल ना बोल। ये देखो ये नौटंकी अभी तक बहुत बोल रही थी।
चला खड़े 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 ये पापा को फोन दे अपने। अरे भाई ये देख बोल ना बोल भाई बोल अभी शांत होगी जल्दी बोल हेलो हेलो बोल हेलो बोल हेलो कर एक काफिया हेलो कर ना हेलो कर हेलो कर हाँ कुछ बोल ना अरे मुंह से बोल ले कुछ शांत हो रही हाय गाइस बोल जल्दी बोल शरमा रही है लड़के भी ये मैं तेरे नाक काट देना देख ले तू अभी शरम आ रही इसको शरम वो हो गया बैठ जा बैठ जा ना ना भाई 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 अब बोल तो सही हम कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं बुआ के घर। हाँ बुआ का नाम क्या है हमारी बुआ की नाम हंसी बुआ हंसी बुआ तो हम तीनों कहाँ जा रहे हैं अभी बुआ के घर जा रहे हैं है ना और ताऊ ताई कहाँ है ताऊ ताई हाँ ताऊ ताई वो भी आ रहे हैं बोल पीछे से वो भी आ रहे हैं पीछे से हैं हाँ चल चलो कुंडा खटखटाओ ये है हमारी बुआ का घर चलो 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 ए, ए जार ये देखो ये हमारी दो बहनें नोटिंग किया ए, ले ए, अनु ले अपनी माता सिंह से बात करा के आ जा इन दोनों की दौड़ते जा और ये पहुंच चुके हैं हम चाचा के घर और ये गाड़ी हो गई है अंदर पार्क क्योंकि गाड़ी में सामान देखो ना किस लेवल का है तो सुरक्षा यही है गाड़ी को चार दीवारी के अंदर पैक किया जाए ये हो गई है गाड़ी अंदर पार्क और अब करते हैं गेट बंद मोटर गाड़ी टेन टेन बंद करो इसको गुड नाइट बोल दे सबको एक बार इधर कैमरे में गुड नाइट बोल दे हाँ शुभ रात्रि तो चलिए दोस्तों रात्रि का समय हो चला है और अब है क्या है समय सोने का समय है ना तो कल है स्कूल और हम स्कूल के बाहर अच्छा रोटी खाने चल हाँ तो होगी सुबह खाएंगे तो अभी हाँ तो कल सुबह जाने की सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे यहाँ से तो माता को उल्टियाँ होती है पहाड़ यहाँ से ऊपर जो है पहाड़ शुरू हो जाएंगे यहाँ तो अब तक मैदानी क्षेत्र है तो उसके लिए दवाई उल्टी की दवाई है उसकी उसके बारे में बात चल रही थी बाकी आज का ब्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं ये हमारी छोटी बहन है काव्या पूरा नाम क्या है तेरा कनिष्का बिष्ट है तो चलिए समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा यहाँ तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद तो क्या करेंगे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ अब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए जय भारत जय उत्तराखंड हाँ जय उत्तराखंड शाबाश चलो गुड नाइट चलो सुनो चलो